हजारीबाग में आजसू पार्टी ने लोकसभा स्तरीय ग्राम प्रभारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो और बीजेपी प्रत्याशी मनीष जायसवाल शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुदेश महतो ने कहा कि इंडी गठबंधन के एजेंडों में कभी भी देश और राज्य हित रहा ही नहीं। गठबंधन को लोग सिर्फ निजी हित में काम करते हैं। कांग्रेस झारखंड में जेएमएम को आगे कर अपने एजेंडे पर काम कर रही है। कांग्रेस का शुरू से जातीय ध्रुवीकरण एजेंडा रहा है और आज भी कांग्रेस अपने एजेंडे पर ही काम कर रही है। मुंडा जी से रामगढ़ के जिला अध्यक्ष प्रवीण मेहता जी को मान्य अर्पण करते हैं। सभी कार्यकर्ताओं ने एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करने और कराने की अपील की है। साथ ही साथ पार्टी के जो कार्यक्रम है, खासकर इससे नीचे चूल्हा प्रमुख स्तर पर पार्टी को ले जाने का, ग्राम के अंदर में 10 परिवार के अंदर एक चूल्हा प्रमुख तैयार करने का निर्देश दिया। कार्यालय, कार्यक्रम, कार्यकर्ता, ये मूल मंत्र है किसी पार्टी के लिए। कार्यकर्ता तो थे, कार्यक्रम तो होते थे, लेकिन कार्यालय नहीं था। युद्ध को भरोसा है, युद्ध को इस राज्य के प्रति समर्पित नेतृत्व पर और राज्य के प्रति समर्पित पार्टी के ऊपर भरोसा है और एक पूरे राज्य भर में ये माहौल तैयार हो रहा है। सभी पार्टी की नीतियों का साथ जोड़ के अपनी भूमिका राज्य के अंदर एक पॉलिटिकल तय करना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील किया गया कि मनीष भाई के साथ मिलकर इस लोकसभा में एक बड़ी जीत के लिए फोकस बिल्कुल विधानसभा के ऊपर है और इस लोकसभा के अंदर 3 विधानसभा, खासकर बड़कागांव, मांडू और रामगढ़, पहले से ही हम लोग काफी मजबूत है। हमारे प्रतिनिधि लगातार रामगढ़ से रहे हैं। इस 2 जगहों में भी हमारी पार्टी बेहतर परफॉर्म करते आई है। जहाँ तक बरही का है, बरही भी हम लोग ने काफी मजबूत किया था। इधर हजारीबाग के अंदर भी अब काम प्रारंभ हुआ है। एक अच्छा मित्र के लिए भी तो मजबूत होना जरूरी है। मैं अगर एनडीए का साथी हूं तो मेरा मजबूत, मेरी पार्टी का मजबूत होना, तभी तो मजबूती साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।